नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए नवंबर 2021 में मां लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान विष्णु, भगवान गणेश कौन से वो शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं, जिन शुभ संकेतों की छत्र छाया में आपकी दीपावली बहुत ही शानदार होगी। ये संकेत ईश्वर के द्वारा बनाए गए, ये संकेत ग्रह नक्षत्रों के द्वारा बनाए गए, ये संकेत ईश्वर की वो देन है, वो प्रसाद है, जिसके चखने मात्र से, जिसके ग्रहण करने मात्र से हर दुख नष्ट हो जाता है और सुखों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में ग्रह सितारे वो कौन से शुभ संकेत दे रहे हैं, जिससे उनके जीवन में ये दीपावली हमेशा हमेशा के लिए यादगार होगी और आप लोग इस दीपावली को लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे और आपके घर में खुशियाँ, धन दौलत, बाकी सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए है। देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, सभी लोग इन शुभ संकेतों का लाभ उठाकर इस दीपावली को बहुत ही शानदार बनाएं। पूरे नवंबर के माह में आप पर शुभ कृपा ग्रहों की किस प्रकार से होगी, आइए जानते हैं संकेतों के माध्यम से। पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा जब सूर्य और मंगल का पराक्रम योग बनेगा सप्तम भाव में। 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच में आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी ख्याति, आपका नाम बढ़ेगा, मानसिक शांति जो है वो होती चली जाएगी, यानी अशांति जो है वो हटती चली जाएगी, मानसिक शांति बढ़ती चली जाएगी, यानी दिमाग में टेंशन खत्म होती चली जाएगी। आपको अच्छे मौके देने वाले हैं मंगल, आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाने वाले हैं दोनों ग्रह। आमदनी बढ़ेगी, काम व्यापार में तेजी आएगी, जल्दी जल्दी आपका काम व्यापार और अच्छा होगा। दीपावली से पहले ही ये सारे शुभ संकेतों के रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। बढ़िया राजनीतिक कनेक्शन बनेंगे, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके बॉस से रिश्ते आपके बड़े मधुर होंगे, सरकारी काम बनेंगे, आपकी ख्याति, आपका पराक्रम बढ़ेगा, पिता की तरक्की होगी, घरेलू व्यापार बहुत तरक्की करेगा, पिता की तरक्की से घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होगी, खूब पैसा, खूब आमदनी घर में होती हुई दिखाई पड़ेगी, पैसे इस दीपावली में बरसेंगे। इस दीपावली में अच्छी दोस्ती होगी आपकी, अच्छे मित्रों का साथ होगा। अब आप घर में हो या घर के बाहर हो, हर जगह पर मजबूती से खड़े हुए नजर आएंगे, हर मुसीबत का सामना बहुत ही बखूबी करेंगे और हर मुसीबत को दूर भगा देंगे। खुशियां नज़दीक, मुसीबतें दूर। शादी के रिश्ते आएंगे, शादी विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जीवन साथी जिसकी आपको तलाश थी, जैसा जीवन साथी चाहते थे वैसे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों को इस समय में अपने से थोड़ी बड़ी उम्र का जीवन साथी मिले, ये महिला पुरुष दोनों के लिए बात लागू होती है। टीवी, मीडिया, वाणी संबंधी कामों में धन बरसेगा। दीपावली का पर्व है तो आपके जीवन साथी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन है, आपका पत्नी, तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। यही बस एक कमी है इस संकेत में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है पत्नी से या पति से, तो ये नहीं करना है। किसी भी बात को लेकर रिश्तों में गलतफहमी नहीं पालनी है। बाकी ये जो संकेत है ये धन दौलत की वर्षा करने वाला संकेत है। अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने शौर्य से पैसा, सक्सेस, जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साझेदारी का यानी पार्टनरशिप का व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध बहुत बढ़िया चलेंगे, सरकारी कामों में जबरदस्त लाभ और तरक्की के योग बनेंगे,
भाग्य का साथ प्राप्त होगा। मंगल और सूर्य के प्रताप से आप राजा रानी वाली जिंदगी जिएंगे। दीपावली में सूर्य और मंगल सुखों की वर्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार सूरज के उगते ही पूरा अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से सूरज यानी सन यानी ग्रहों के देवता आपके जीवन का अंधकार दूर करेंगे। और जैसे एक शूरवीर के सामने दुश्मन टिक नहीं पाता, वैसे ही मंगल के सामने आपकी कोई भी मुसीबत टिक नहीं पाएगी। और सूर्य और मंगल जब दोनों साथ होंगे तो ये दोनों दुनिया के हर सुख को आपका गुलाम बना देंगे। तो इस दीपावली में पहला शुभ संकेत ही बड़ा जबरदस्त है, इसका शुभ लाभ उठाइए आप लोग। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग का निर्माण होगा 16 नवंबर तक, 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक। नौकरी व्यापार में जबरदस्त मौके प्राप्त होंगे, तरक्की के इंटरव्यू के मौके मिलेंगे, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, जबरदस्त लाभकारी यात्राएं होंगी, फलदायी यात्राएं होंगी, आपकी जुबान में मिठास आपके काम बना देगी, आपका व्यापार चल जाएगा। कहते हैं मीठा मीठा बोलते जाइए और माल बेचते जाइए, मीठा मीठा बोलते जाइए और प्रमोशन पाते जाइए और काम भी करिए साथ में। तो जबरदस्त आपका भाग्य चलने वाला है, कोई नया व्यापार की शुरुआत हो सकती है, आपके भाई बहनों की शादी तय हो सकती है, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आप वक्त देखकर सही काम करेंगे, यानी वक्त की नज़ाकत को, वक्त को समझने और परखने वाले इंसान होंगे। अगर आप कोई अभिनेता हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, मतलब पैसा पानी की तरीके से बहकर आपके पास आएगा। अभिनेता यानी फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम इस फील्ड में मान लेते हैं। डॉक्टर, समाज सेवी, इन लोगों के पास तो पैसा पानी की तरीके से बहकर आएगा। आप करिश्माई होंगे, करिश्मा दिखाएंगे। करिश्मा क्या होता है? जादू दिखाएंगे, बुद्धि का जादू, वाणी का जादू। और जिसके पास वाणी और बुद्धि का जादू हो वो इस दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है और कुछ भी बेच सकता है। तो बस आपके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे। आपके पास धन होगा, आपके पास दिमाग होगा, आपके पास धैर्य होगा, आप समझदार होंगे, धैर्यवान होंगे, विचारों में खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आप सीखेंगे, आप सिखाएंगे, आप धन कमाएंगे, आप ऐश करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता और हर दिमागी काम और हर कठिन काम में दिमाग से सफलता पाएंगे। पहले सूर्य ने मंगल के साथ पराक्रम योग बनाया, साहस योग बनाया, बुध ने यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाया, तो मंगल भी कहीं ना कहीं खड़े हैं साहस के साथ। अब आपके पास बुद्धि भी है, उजाला भी है, प्रकाश भी है, रास्ता भी है और साहस भी है। और जिस व्यक्ति के पास दिमाग हो, ताकत हो और लक्ष्य पर चलने का सही विजन हो, उस व्यक्ति को इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये दोनों संकेत अभी तक आपकी झोलियाँ भर देंगे। आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, लेकिन जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये ग्रहों के आधार पर है, इस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं ग्रहों की जो चाल है वो आपको क्या देगी वही बता रहा हूँ। बात करेंगे तीसरे शुभ संकेत की, तो तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध ग्रह की कृपा से। अब अकेले बुध का कमाल देखिए, बुध 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, तो 2 से 21 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो आप लोग, मैंने कहा ना, बुध आपसे करिश्मा करा देंगे, यानी कि कोई ना कोई चमत्कार करा देंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, दांतों तले उंगली दबा लेंगे लोग। आपके पास शानदार दिमाग और दिमाग का सही प्रयोग करने का आइडिया या सही प्रयोग करने का तरीका आपके पास होगा। दिमाग बहुतों के पास होता है लेकिन वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इस समय पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी अद्भुत कला होगी, लाभकारी नौकरी होगी, व्यापार से जुड़ी यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आपके घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी, खुशियों की मिठाइयाँ बटेंगी, आपके पास पराक्रम होगा, आपके पास शानदार दिमाग के साथ साथ
दुनिया को जीत लेने वाले तरीके होंगे, बहुत मिलनसार होंगे, लोगों के बीच में घुल मिल जाएंगे, आप दूसरों को देखकर दूसरों के अनुभवों से अपनी जिंदगी बना लेंगे। जैसे एकलव्य का उदाहरण लीजिए, एकलव्य ने भी तो देख देख कर धनुर्विद्या सीख ली थी और नंबर वन तीरंदाज बन गया था। वैसे ही आप दूसरों को देख देख के, क्योंकि दिमाग होगा और सीखता कौन है दूसरे को देख देख कर, जिसके बाद दिमाग होता है, आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं, आपके खुले विचार होंगे, जवान दिखेंगे, जवानी जैसी बातें करेंगे। अब अगर उम्र चाहे 55 की भी हो लेकिन दिल 25 का होगा, यानी कि जोश और फुर्ती होगी, किसी भी काम को करने से घबराएंगे नहीं। उम्र चाहे क्यों कोई कितनी क्यों ना हो लेकिन बड़े बड़े काम अपने हाथ में ले लेंगे और उस पर सफलता भी पाएंगे। साझेदारी के व्यापार में थोड़ी सी सावधानी, प्रेम संबंध बहुत ही बढ़िया चलेंगे। दीपावली में धन दौलत, दिमाग और जुबान और नए तरीकों से आप कमा लेंगे, लोग देखते रह जाएंगे और आप काम करके चले जाएंगे और खुशहाल जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, गम के बादल गए। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे 11वें भाव में। मैं आपको एक बात बता देता हूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, 11वें भाव में अगर व्यक्ति के देव गुरु बृहस्पति आ जाएं और जन्म कुंडली में भी देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सांप यानी कि स्नेक, कौन सा सांप, जिसके सांप में मणि लगी हो, मणि वाला सांप, धन दौलत देने वाला सांप भी झुककर सलाम करता है, यानी कि इतनी धन दौलत आती है, इतनी धन दौलत, मणि वाला सांप भी झुककर सलाम करेगा। शर्त एक ही है कि पिता की सेवा करें। अगर पिता से अनबन हुई या पिता का आशीर्वाद नहीं हुआ आपके सर के ऊपर, तो ये मणि वाला सांप भी कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक शर्त और दुनिया की दौलत। मणि वाले सांप को तो आप समझते हैं ना, चमत्कारी सांप होता है, मणि जिसके पास है वो कहते हैं ना दुनिया की सारी दौलत उसके पास होती है। तो ये मौका मेष राशि वालों की जिंदगी में आ रहा है इस दीपावली में। अभी से तरक्की पाने की तैयारी कर लें, अभी से काम कब क्या कैसे करना है उसकी तैयारी कर लें, 100% लाभ होगा। अपने आइडिया वगैरह तैयार कर लें, अब देर नहीं है। घर में खुशियां होंगी, विवाह सुख संतान की खुशियां होंगी, सब कुछ होगा। मैंने आपको क्या बोला, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस संकेत के बारे में। आपको सांप की मणि मिल गई, आपको चमत्कारी मणि मिल गई, उससे तो सब कुछ मिल गया आपको। तो देव गुरु बृहस्पति का ये चौथा शुभ संकेत आपके जीवन में उजाला ही उजाला, खुशियाँ ही खुशियाँ ला देंगे। अब अगर आपने अपना भाग्य नहीं बदला, अब अगर आपने मेहनत नहीं करी, तो फिर ये मान लीजिएगा कमी ग्रहों में नहीं होगी, आपके प्रयासों में होगी, आपकी सोच में होगी। या फिर दूसरा कारण होगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होगी। ये दो कारण होंगे, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता कि आपको तरक्की ना मिले। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप पिता की सेवा कर लें, पिता से रिश्ते बेहतर बना के रखेंगे, तो धन दौलत, कहते हैं ना अथाह धन दौलत और अथाह खुशियों के मालिक होंगे आप। शिक्षा बढ़िया, सेहत बढ़िया, हर क्षेत्र में लाभ। आप खुद की किस्मत पर भरोसा रखें। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये ख्याली पुलाव नहीं है। जो लोग इसको ख्याली पुलाव मानकर भूल जाएंगे वो अपनी इच्छा के मालिक हैं, लेकिन जो लोग इस बात को समझ लेंगे वही बन जाएंगे राजा। अगला पांचवा शुभ संकेत जो मैं आपको दे रहा हूँ वह है शुक्र के द्वारा। शुक्र भाग्य भाव में बैठ गए, धन दौलत लक्ष्मी के कारक ग्रह, ऐश्वर्य के कारक ग्रह जब भाग्य भाव में बैठे हों, देव गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हों, तो दिवाली में एक ऐसा खुशियों का धमाका होगा कि जिसकी गूंज से खुशियां बरसेंगी, धमाधम खुशियां चमकती हुई आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके चेहरे पर हंसी बनी रहेगी, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, नए व्यापार की संभावनाएं खुलती चली जाएंगी, जगह जगह पर घूम घूम कर आप अपने जीवन का सुखद पल बिताएंगे, यानी कि ट्रैवल करेंगे अपने प्रियजनों के साथ, प्रेम विवाह
कि रास्ते खुल जाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये रास्ते खुल जाएंगे। धन दौलत इतनी आएगी कि संभालना कठिन हो जाएगा। शुक्र दीपावली में सोना चांदी आपके घर में भर देंगे, आपकी तिजोरी में भर देंगे। आपकी सफलता से दुनिया जलने लगेगी। काला टीका लगाकर आपको चलना पड़ेगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत, धन दौलत, ज्ञान, यात्रा, सफलता, जीवन साथी का सुख, प्रेम संबंधों का सुख, परिवार का सुख और इस दुनिया में जितने भी सुख हैं वो सारे सुख आपको शुक्र दे रहे हैं। वस्त्रों का सुख, बढ़िया खाने का सुख। तो ये जो पांच संकेत हैं, इन पांच संकेतों में अगर मेरी तो मेष राशि है नहीं, अगर मेरी मेष राशि होती तो शायद मैं ये जो वीडियो है ना, ये ढोल नगाड़े बजा कर आपको बता रहा होता कि इतना बढ़िया वक्त आने वाला है जो मैं महसूस कर रहा हूं। ये वक्त वाकई में ढोल नगाड़े बजाने का है। देव गुरु बृहस्पति शानदार रिजल्ट दे देंगे आपको। एंजॉय करें इन पांच संकेतों के साथ में और विश्वास रखें खुद पर और ईश्वर पर, क्योंकि बनाने वाला वो है, देने वाला वो है, बताने वाला मैं हूँ, करने वाले और लेने वाले आप हैं। तो इस जीवन में ऐसे सुखद दिनों का भी आनंद लीजिए और खुशी खुशी इस दीपावली को मनाइए। आपको, आपके परिवार को दीपावली और पंच दिवसीय जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं उन सभी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें और यकीन मानिए ये दीपावली आपकी बेहद शानदार होगी। हरिओम, नमस्कार। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र। यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीजें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्द का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि जहां पर लाजवर्द है वहां पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियां भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं, ये है वो पांच चीजें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा, आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।